नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशनल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय समेत राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें प्रथम वर्ष के बच्चों का जनरल प्रमोशन हो गया है और द्वितीय वर्ष के बच्चों को प्रोविजनली प्रमोट कर दिया गया है। वहीं पीजी कोर्सेज की बात करें तो पीजी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रोविजनली प्रमोट कर दिया गया है और ऐसा कहा गया है कि सिचुएशन सही होती है तो 31 दिसंबर के पहले इनके एग्जामिनेशन व रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो अब जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनके री एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और राजस्थान कॉलेज आयुक्तालय की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो अपडेट्स आती है वो आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से 7 जुलाई को ही एक नोटिफिकेशन आ गई थी और आज 10 जुलाई है और आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आई है वो स्पेसिफिक राजस्थान में जितने भी राजकीय महाविद्यालय मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में ये नोटिफिकेशन आई है। तो राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका प्रमोशन हो चुका है जनरल प्रमोशन, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपका प्रोविजनल प्रमोशन हो चुका है और जैसा कि गत वर्ष पिछले साल भी 2020 में भी जो प्रोविजनल प्रमोशन हुआ था उसके बाद से री एडमिशन की प्रक्रिया जून में ही शुरू कर दी गई थी। जून 2020 में आप लोग को चैनल पर मेरी वीडियो मिल जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भी फिल करना था, तो जून के महीने में शुरू हो गई थी। इस साल कॉलेज आयुक्तालय शिक्षा की तरफ से जो न्यूज़ आई है उसके आने के बाद से राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे MDSC यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोटा विश्वविद्यालय हो, सबकी तरफ से जल्द ही आपको एक हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में भी री एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। तो ये जो नोटिफिकेशन आई है उसमें देखिए, स्नातक पार्ट द्वितीय मतलब कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकेंड ईयर में आए हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे जो थर्ड ईयर में आए हैं और पीजी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में आए हैं उनके लिए कब से शुरू हो रहा है फॉर्म, 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आपके फॉर्म शुरू हो रहा है, 8 जुलाई से 22 जुलाई तक। और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर भी बात कही गई है कि 10 जुलाई से सभी यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में जो जिसमें बच्चे प्रमोट हो चुके हैं उनमें 10 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। अब ये कॉलेज डिसाइड करेगा अपने लेवल पे कि पर्टिकुलर कॉलेज में कितने तारीख से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना है, कितने तारीख से ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए शुरू की जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये न्यूज़ है। यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यूज़ आपको एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान की तरफ से जो नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कहा गया है ये पर्टिकुलर राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आता है कि आप शुरू कर सकते हैं। तो राजकीय महाविद्यालयों के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पे जल्द ही विद इन 1 वीक नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जारी हो जाएगा। कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। आप लोग बने रहिएगा चैनल से, नोटिफिकेशन की घंटी दबा के रखिएगा। तो ये न्यूज़ थी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल मिलती है, आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। एजुकेशनल एक्सप्रेस नाम का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे वहाँ फॉलो करिए और अपने मैसेजेस करिए, सभी मैसेजेस की रिप्लाई मैं आप लोग को दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये न्यूज़ पता चल गई होगी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, हालांकि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की है और जल्द ही आप लोग की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के भी फॉर्म फिल करने के, री एडमिशन फॉर्म फिल करने की नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन आने के बाद ही फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस आप लोग को मैं बता दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।